BTS की हिस्ट्री में आज तक काफी सारे आइडल्स को BTS के साथ शिप किया गया है, लेकिन टैनी यानी बी और जेनी एक ऐसी शिपिंग है जो कि सदियों से ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सीरियल की तरह चलती आ रही है। और दोस्तों इसका कोई एंड ही नहीं, लेकिन फाइनली मुझे इतने सारे प्रूफ मिल चुके हैं जो कि इस बात को पूरे तरीके से बता देंगे कि आखिर टैनी रियल है या फिर फेक। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों जो अकाउंट BTS के मेंबर वी और जेनी की अकाउंट को लेकर काफ़ी सारे प्रोफाइल फोटोज और वीडियोस को लीक कर रहा था और जिसका कहना था कि वो एक हैकर है, फाइनली उसकी पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों एक इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू हमें पता चला है कि BTS के मेंबर को लेकर जो भी शिपिंग चल रही है वो पूरे तरीके से झूठी है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कह रही हूँ, तो दोस्तों मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाती हूँ जहाँ पर एक आर्मी ने कितने क्लियरली समझा रखा है कि किस तरीके से इन फेक वीडियोस और फोटोज को डेवलप किया गया है। तो दोस्तों इन सभी वायरल फोटो में डेफिनेटली आपने एक फोटो देखी होगी जहाँ पर वी और जेनी मिरर के सामने खड़े हैं और एक सेल्फी ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों फाइनली हमें पता चला है कि इस सेल्फी के पीछे का सच क्या है। तो दोस्तों एक्चुअली जेनी की एक पुरानी फोटो को इस सेल्फी इमेज से मर्ज किया गया है, जो कि देखने में ऐसा लगता है कि जेनी खड़ी है। और दोस्तों यही नहीं बल्कि BTS रन के एक एपिसोड जहां पर वी बलून के साथ कुछ कर रहे थे उस फोटो को लेकर जेनी वाली फोटो के बगल में लगाया गया है, जो कि देखने में ऐसे लगती है कि वी और जेनी साथ में फोटो खींच रहे हैं, जबकि दोस्तों रियलिटी तो कुछ और ही है। दोस्तों यही नहीं बल्कि इसी तरीके से ये भी रिवील किया गया कि पहली फोटो जो कि वायरल हुई थी जहां पर जेनी और वी कार में देखे गए थे उसकी पूरी सच्चाई क्या है। तो दोस्तों जब वो फोटो वायरल हुई थी तो काफी सारे आर्मीज का कहना था कि वहां पर जेनी नहीं बल्कि जे होप थे। और फाइनली हमें पता चला है कि एक्चुअली जेनी की एक ऐसी ही सिमिलर फोटो को क्रॉप और एडिट करके जे होप के फेस के ऊपर लगाया गया था, जिसके बाद क्लियरली वो जेनी जैसी लग रही थी जबकि ओरिजिनल फोटो में वहां पर जे होप ही थे। पर दोस्तों रियली मुझे तो समझ नहीं आता कि ये एडिटर और हैकर कितने ज़्यादा वेले इंसान हैं कि इनके पास इतना सारा टाइम है कि ये ऐसी फ़ोटोज़ को ढूंढते हैं, उसके बाद एक फेक फ़ोटो क्रिएट करते हैं जस्ट कुछ व्यूज़ और लाइक्स के लिए। और दोस्तों वो कहते हैं ना कि कुछ भी पाल लो लेकिन गलतफहमी मत पालो। मैं तो कहती हूँ कि इन्हें गलतफहमी ही पाल लेनी चाहिए, एटलीस्ट वो ऐसे बेकार एडिटर्स को पालने से तो बेटर ही है। क्योंकि अब इन फोटोज़ को देखकर सोचना भी नहीं पड़ता कि ये रियल है या फिर फेक, देखने से ही समझ आता है कि ये सारी फोटोज़ फेक हैं। लेकिन दोस्तों सैड पार्ट तो ये है कि सारी सच्चाई और रियलिटी जानने के बाद भी आर्मीज इन्हीं हेटर्स और हैकर्स को फॉलो करती हैं, जैसे कि वो लड़की जिसने जंगकुक की फोटोज़ को लीक करा था, आज इंस्टाग्राम पे उसके इतने सारे फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो आर्मीज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वी और जेनी यानी टैनी पूरे तरीके से फेक है। लेकिन फिर भी आगे कोई भी ऐसी फेक फोटोज या फिर वीडियोज आती रहेंगी तो हम आपके साथ उन्हें शेयर जरूर करेंगे ताकि उनकी सच्चाई भी आपको क्लियर रहे। तो कमेंट्स करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।